नमस्कार, नारा संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन शुक्ल की त्रयोदशी है, मंगलवार है, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 29 सितंबर है, जो वर्ष का 272वां दिन है और साल में अभी 93 दिन बाकी है। 29 सितंबर के इतिहास की बात करें तो 29 सितंबर 1836 में आज ही के दिन मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई। आज ही के दिन 1959 में भारत की आरती साहा ने इंग्लैंड चैनल को तैरकर पार किया। ऐसा करने वाली वह एशिया की पहली महिला बनी। उफनती लहरों और बर्फीले पानी के कारण इस विशाल जलाशय को तैरकर पार करना एक कठिन चुनौती है और इसे तैराकी का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। आरती ने 19 वर्ष की आयु में इस खतरनाक यात्रा में सबको सफलतापूर्वक पूरा किया। 29 सितंबर 1962 में कलकत्ता में बिरला तारामंडल की शुरुआत हुई। बिरला तारामंडल एक एरोस्पेस केंद्र है और कोलकाता का एक तारामंडल संग्रहालय है। यह एशिया का पहला और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। भारत के दो अन्य तारामंडल चेन्नई और हैदराबाद में स्थित है। आज ही के दिन 1970 में यूनियन कार्बाइड ने बंबई स्थित अपने केमिकल्स एंड प्लास्टिक संयंत्र में पहला जल शोधन संस्थान स्थापित किया। इसमें साफ किए जाने वाले सीवेज के पानी को औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाना था। 1977 में भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी के जल बंटवारे पर एक संधि पर आज ही के दिन हस्ताक्षर किए थे। इतिहास में 29 सितंबर 2016 का दिन भारत तथा पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर उसके आतंकी शिविरों को निस्तनाबूद करने वाले साहसिक कदम के गवाह के तौर पर दर्ज है। भारत ने जहां इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम किया, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इसे भारत ने भारतीय सेना पर सबसे बड़े हमले के रूप में माना और 18 सितंबर 2016 को उरी हमले में सीमा पर पार बैठे आतंकियों को का हाथ बताया गया और भारत ने इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 29 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। रुख करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। सेना के लिए खरीदे जाएंगे तकरीबन 2300 करोड़ रुपए के हथियार। अमेरिका से 780 करोड़ में खरीदी जाएंगी 72,000 असॉल्ट राइफलें। जारी की गई नई खरीद प्रक्रिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई प्रक्रिया से आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। सरकार ने चीनी मिलों को इस साल के लिए आवंटित चीनी कोटे का अनिवार्य निर्यात करने के लिए समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर दिसंबर तक कर दी है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश ने गरीब कल्याण योजना और सामुदायिक शौचालय अभियान समेत कई मुहिम पर 7 पुरस्कार जीते हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित सामुदायिक शौचालय अभियान पुरस्कारों में 7 अवार्ड जीते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि विख्यात पार्श्व गायक SP बाला सुब्रमण्यम को सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाए। राजस्थान में कोरोना संकट के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने 4,14,000 जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा के रूप में प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम गेहूं तथा प्रति परिवार 1 किलोग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन अब बैंक ग्राहकों को धोखेबाजों से बचाने के लिए जागरूक करते दिखाई देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बिग बी की सेवाएं ली हैं। रिजर्व बैंक की सार्वजनिक जागरूकता पहल के तहत केंद्रीय बैंक ग्राहकों को सुरक्षित तरीके से लेन देन के बारे में बताता है। बढ़त के साथ खुले अमेरिकी बाजार, यूरोपीय और एशियाई बाजार में भी तेजी रही। सेंसेक्स 593 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ और सोने चांदी में भी नरमी दिखाई दी गई।
कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए फंड जुटाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को लिस्टेड रिट्स और इनविट्स के लिए अपने अपने यूनिट्स के प्रेफरेंशियल और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट संबंधी नियमों में कुछ ढील दी है। नारद संचार उन्हीं समाचारों की सुर्खियों को आपके बीच लाते हैं जिन्हें सुनकर आपके दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। हमारे सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में आप कोई विचार देना चाहते हैं, कोई सुझाव है तो आपका स्वागत है, और इसे आमजन तक पहुंचाने में हम आपके योगदान को अपेक्षा रखते हैं। आप हमारी वेबसाइट narad-sanchar.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।